हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास सर ऑफिशियल में स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स में हम 11 जून 2022 के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? ड्रोन नीति को मंजूरी देने के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या पंजाब? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। उसके बाद हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? लोकतंत्र के स्वर अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण या राजनाथ सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा बी, धर्मेंद्र प्रधान। जो देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने लोकतंत्र के स्वर नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो व शुभंकर का अनावरण किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई में 44वें ओलंपियाड का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और इसका जो उद्घाटन है वो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उसने किया है। और एक प्रश्न इसी से संबंधित ये भी बनता है, 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या है? थम्बी, नंदी, सेवक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है थम्बी। थम्बी को छोटा भाई के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी थम्बी का जो मतलब है वो तमिलनाडु में छोटा भाई होता है जो 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर भी है। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या टोक्यो? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क, जो कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वहाँ दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है। उसके बाद हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? पीजीआई लखनऊ, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई कोच्चि, पीजीआई देहरादून? तो राइट आंसर है इसका बी, पीजीआई चंडीगढ़ को तंबाकू नियंत्रण के सफल प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। उसके बाद प्रसार भारती के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ कौन बने हैं? प्रसार भारती के मयंक कुमार अग्रवाल, अमित सक्सेना, पराग सक्सेना या कोई नहीं? तो ए इसका राइट आंसर होगा, मयंक कुमार अग्रवाल। उसके बाद परवेज मुशर्रफ, जिनका कल निधन हुआ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कब से कब तक कार्य किया? दोस्तों जो परवेज मुशर्रफ थे वो पाकिस्तान के तानाशाह थे, जिनका कल निधन हुआ, लंबी बीमारी से वो ग्रस्त थे और इन्होंने 2001 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उसके बाद इंडो यूके सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे बनाया गया है? इंडो यूके सीजन ऑफ कल्चर, सचिन तेंदुलकर, एआर रहमान, अक्षय कुमार या दीपिका पादुकोण? तो जो एआर रहमान है, म्यूजिशियन, संगीतकार, इनको इंडो यूके सीजन ऑफ कल्चर का जो राजदूत है वो बनाया गया है। उसके बाद किसने आयुर्वेद आहार के लिए नया लोगो लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, मनसुख मंडाविया या नरेंद्र मोदी? तो इसका राइट आंसर है मनसुख मंडाविया, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इन्होंने आयुर्वेद आहार के लिए जो नया लोगो है वो लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे आज के 11 जून 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ऐसी ही जो एजुकेशनल वीडियो है हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।